थोड़ी सी फटकरी लेकर के देवाधिदेव महादेव के ऊपर 27 बार उतार कर ले आओ और रोज से गीला करके वहां लगाओ जहां तुम्हें चर्म रोग या कोई भी त्वचा का रोग हो, तत्काल ठीक हो जाता है। ऐसा भाव है, तुम्हारा शरीर अगर सुंदर नहीं है, चेहरा बड़ा कांतिवान नहीं है या कांति अचानक तुम्हारी चली गई है, तुम्हारे शरीर की सुंदरता, तुम्हारे फेस की, तुम्हारे तुम्हारे रूप लावण्य में कोई कमी आ गई है, अगर किसी भी तरह से तुम्हें ऐसा लगता है तो देवाधिदेव महादेव के ऊपर खूब सारा चंदन चढ़ाना और वो चढ़ा हुआ चंदन ले आना, उसमें हल्दी और वो चिरौंजी दाना कहते हैं, क्या कहते हैं, वो छोटा छोटा गोल गोल होता है, मेवा में पाया जाता है, उसे साथ में घिसकर हल्दी मिलाकर रोज रात में लेप लगाना। अब इसे कहीं गलत जगह मत धोना, देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ है, इसे पहले अच्छी तरीके से किसी चीज में निर्माल्य निकाल लेना, फिर जाकर मुंह धोना। ऐसा आप लगातार 3 महीने कर लीजिए, बस तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे लाखों रुपए की वो एसीएल फेसियल थेसियल जो भी तुम कराते हो, अधर्म अधर्म कठर्म सठर्म, वो सब बेकार, सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारी सुंदरता एक तरफ, तुम ज्यादा सुंदर दिखोगे, तुम ज्यादा बेहतर दिखोगे। तुम पर अचानक कोई संकट आया है, तुम पर अचानक कोई मुसीबत आ गई है, तुम पर अचानक कोई ऐसा लगता है जैसे किसी ने श्राप दे दिया, ऐसा लगता है मानो पता नहीं कौन से जन्म का कोई पुण्य खराब हुआ या पाप बढ़ गया, क्या हुआ, अचानक कोई तकलीफ में हो, तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है, तुम्हारा संबंध खराब हो रहा है, तुम्हारे लोग दुश्मन बन रहे हैं, तुमसे लोग दूर हो रहे हैं, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुमसे कोई मिलना जुलना नहीं चाहता, तुम्हारा नाम खराब कर रहे हैं, तुम्हारा अपयश हो रहा है, तुम्हारे से लोग किसी भी तरह से अपना रिश्ता रिलेशन संबंध नहीं रखना चाहते, वो कोई भी क्यों ना हो, 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। जो उपाय बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, जो मैं उपाय बता रहा हूं ये 24 घंटे तब लगेंगे जब आप पूरी तरह से सब चीजों को सुव्यवस्थित कर चुके होंगे। उपाय इतना सरल है, इतना सहज है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की इस गाथा में निरंतर शिवपुराण के हर कदम पर सॉल्यूशंस हैं, शिवपुराण की हर कदम पर उपाय हैं, शिवपुराण के हर कदम पर जनमानस के जनोपयोगी उपाख्यान है। जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, जीवन कैसे बेहतर बने, उस संदर्भ में बातचीत की जा रही है शिवपुराण में। अगर ऐसी किसी भी परिस्थिति से तुम जूझ रहे हो तो सरल और साधारण उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको इसके लिए कुछ बहुत खास नहीं करना, आपको पंचामृत घर में बनाना है। पंचामृत बनाकर आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पंचामृत बनाइए और जिसके निमित्त ये उपाय करना चाहते हैं उसका नाम लिख करके केसर लगाकर उसको अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए रात में। पहला काम क्या, पहला कागज में नाम लिखो, उसमें खूब अच्छे से केसर लगाओ, केसर शुद्ध होनी चाहिए, लगाओ मतलब उसको गीला करके उसके ऊपर हर नाम के ऊपर एक एक पत्ती रखते जाओ हर अक्षर के ऊपर, और इसे इस पर्चे को गोल मोल करके अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाओ। सुबेरे उठ करके सबसे पहला काम प्रातः सूर्योदय के पूर्व कहते थे और रात्रि में 3 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, रात्रि 3 बजे से लेकर के सुबह 6:30 बजे के पहले या 5:22 के पहले सूर्योदय को देख ले, मौसम के हिसाब से सूर्योदय के पूर्व इस उपाय को किया जा सकता है। पंचामृत बना ले, पंचामृत में इसको कागज को डुबा करके लेके जाना है अपने घर से, पंचामृत चढ़ाना है कागज नहीं चढ़ाना, ध्यान समझिए। पंचामृत देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और एक पहले पंचामृत चढ़ाइए, फिर लोटा जल चढ़ा दीजिए, इस पर्चे को फिर वापस ले आइए, इस पर्चे को वापस लाकर अपने ही घर में सुखाकर अपनी बालकनी में अपने छत पर या कहीं पर कपूर डालकर जला दीजिए। 24 घंटे का ये उपाय है और 24 घंटे में ही इसका फर्क पड़ना शुरू होता है। अगर ये पूरे मनोयोग से श्रद्धा विश्वास से करोगे तो आपको कहना पड़ेगा मेरा हर पल मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।